पशु संपदा राजस्थान में पशु संपदा राजस्व बोर्ड अजमेर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं अभी लेटेस्ट पशु गणना, वो जो कि 2019 में प्रकाशित हुई है, वो 20वीं पशु गणना है 2017, जिसका प्रकाशन हुआ है 16 अक्टूबर 2019 को। पहली पशु गणना की अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर 1919 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी और 1920 अप्रैल में इसका प्रकाशन कर दिया गया। तो अगर पूछें कि पहली पशु गणना कब जारी कर दी गई, तो वो है अप्रैल 1920 में जारी कर दी गई थी। इसी के साथ अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्वतंत्र भारत की पहली पशु गणना कब की गई, वो कौन सा सन होगा? तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1951 में पशु गणना की गई। ठीक है, तो 1947 के बाद हमें देखना है, तो वो 1951 में पहली पशु गणना की गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान के एकीकरण के बाद पहली पशु गणना कब की गई है? राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1956 में, और उसके बाद पहली पशु गणना 1961 में हुई है। 1961 में पहली पशु गणना हुई है। गांव स्तर पर पहली पशु गणना कब हुई? ग्राम स्तर पर पहली पशु गणना 1977। ठीक है, याद रखें। और अगर पूछा जाए कि नस्ल आधारित पहली पशु गणना कब हुई है? 2007। तो कुछ सन हैं, कुछ ईयर्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे कि पहली पशु गणना कब हुई, गांव स्तर पर कब हुई, नस्ल आधारित कब हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारी 20वीं पशु गणना है, इसमें कुल पशु संपदा कितनी है? 5.68 करोड़। और जो हमारी 19वीं जो थी पशु गणना जब हमने की गई थी, उस समय कितने पशु संपदा थी? 5.77 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि जाहिर से बात है कि कमी हुई है पशु संपदा में। कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 1.66% की कमी हुई है। 1.66% की कमी हुई है। और इस समय 20वीं पशु गणना के आधार पर 5.68 करोड़ पशु संपदा है। अगर मैं बात करती हूँ कि पशु संपदा में भारत में राजस्थान का कौन सा रैंक है, तो भारत में हम उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं, तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और राजस्थान का द्वितीय स्थान है। इसी प्रकार जब हम बात करें भाई पशु घनत्व की, अगर हम बात करते हैं तो पशु घनत्व हमारे राजस्थान के अलग अलग राज्यों में, पशु घनत्व राज्यों में क्या, अलग अलग जिलों में, भाई पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में भी पशु घनत्व अलग है और जिलों में, राजस्थान के अलग अलग जिलों में भी पशु घनत्व जो है वो डिफरेंट है। तो सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है और सबसे कम किस जिले में है? तो सर्वाधिक की बात करें तो राजसमंद और दौसा में पशु घनत्व है 292, और सबसे कम है जैसलमेर में 83। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं कि पशु संपदा में हमें मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है राजस्थान की पशु संपदा में, एक तो गौवंश, गायों के बारे में, भैंस के बारे में हमें पढ़ना है, भेड़, बकरी, अश्व, ये सभी, और ऊंट सबसे महत्वपूर्ण, और बकरी। तो ये सारी जो पशु संपदा है इनका भाई 19वीं जो पशु संपदा हुई थी उससे प्रतिशत, कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है ये हम देखेंगे। कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, कौन से जिले हैं जहां पर ये न्यूनतम पाए जाते हैं, राजस्थान का इस पर्टिकुलर पशु संपदा में भाई गाय हो गई, भैंस हो गई, इनमें कौन सा रैंक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करती हूँ गौवंश की, तो गौवंश का 20वीं पशु गणना में मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे पास है? 1.39 करोड़ गौवंश। 1.39 करोड़। और प्रतिशत वृद्धि हुई है या कमी हुई? गौवंश में वृद्धि हुई है 4.41% की। और अगर हम बात करते हैं रैंक कौन सा है हमारे गौवंश में, राजस्थान का छठा स्थान है। तो ये एक मतलब वन लाइनर आप याद रखें कि गाय में वृद्धि हुई है, ठीक है, गायों में वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत, लगभग साढ़े चार। अब भाई हम एग्जैक्ट ना याद करें तो लगभग भी याद कर सकते हैं, 4.5% वृद्धि हुई है। और टोटल नंबर्स कितने हैं? 1.39 करोड़। अगर हम बात करते हैं भैंस की, तो भैंस जो है टोटल नंबर कितना है? 1.37 करोड़ है। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? लगभग 5.5% या 5.53 प्रतिशत। और रैंक कौन सा है हमारा? रैंक है हमारा सेकंड रैंक है देश में। तो देखिए ध्यान रखे, जनरली अगर हम बात करते हैं टोटल पशु संपदा में तो हमारे कमी हुई है, लेकिन गाय और भैंस इन दोनों में हमारे क्या हुई है? वृद्धि हुई है। गायों की बात करें तो लगभग 4.5%, भैंस की बात करें तो लगभग 5.5% वृद्धि हुई है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करेंगे भेड़ की, बकरी की, ऊंट की, तीनों में कमी हुई है। बस गाय भैंस में वृद्धि हुई है, बाकी सब में कमी हुई है। तो भेड़ जो है उनका नंबर कितना है? लगभग पॉइंट सेवन नाइन करोड़। और कमी हुई है, ध्यान रखें कितने प्रतिशत कमी हुई है? 12.9% की कमी हुई है। आप उसको
राउंड फिगर में 13% भी याद रखते हैं, 13% भी कह सकते हैं। और भेड़ की अगर हम बात करें तो राजस्थान का भेड़ में रैंक है फोर्थ रैंक। बकरी की अगर हम बात करते हैं, बकरी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है, वो 2.08 करोड़ हमारे पास बकरी है। और बकरी में भी हमारे यहाँ कमी हुई है, 3.9% की कमी हुई है, जो कि लगभग 4% के बराबर है। और इसमें बकरी में हमारा फर्स्ट रैंक है, बकरी में हमारा फर्स्ट रैंक है। और ऊंट, भैया राजस्थान तो है ही ऊंटों का राज्य, यहाँ पर लगभग कितने हैं, 2.13 लाख में है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सब करोड़ में है, लेकिन ऊंटों की संख्या वैसे कम है, 2.13 लाख। और कितने प्रतिशत कमी हुई है, भारी गिरावट हम कह सकते हैं, 34.5% के लगभग गिरावट है। और ऊंटों में भी राजस्थान का प्रथम रैंक है, फर्स्ट रैंक है। तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान का पशु घनत्व, तो टोटल पशु घनत्व कितना है, 169। अब कुछ महत्वपूर्ण पशुओं की हम बात करेंगे, पशु नस्लों की बात करेंगे, तो शुरुआत हम करेंगे गोवंश से। तो गोवंश में बताएं दीप्ति। तो विश्व में ब्राजील के बाद हम द्वितीय स्थान पे आते हैं, ब्राजील का पहला स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान। और भारत में बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक किसका है, मध्य प्रदेश का है गायों में, ठीक है ना। हमने कुल पशु संपदा में यूपी देखा था, लेकिन गायों में पहला रैंक एमपी का है। और राजस्थान का रैंक कौन सा है, अभी बताया था मैंने, छठा रैंक है। और देश राजस्थान में भी बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक पशु गोवंश कहाँ है, उदयपुर में सर्वाधिक है और न्यूनतम धौलपुर में है, ध्यान रखें। और देश का जो प्रथम गोमूत्र रिफाइनरी या गोमूत्र बैंक वो है पथमेड़ा जालोर में, ठीक है। अब प्रमुख नस्लें हैं गोवंश की, उसके बारे में बात करते हैं। कुल 9 नस्लें हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसमें पहली है राठी, राठी है वो सर्वश्रेष्ठ दूध देने वाली नस्ल है। और उसकी क्या विशेषता है, पहली बात तो इसे राजस्थान का कामधेनु कहा जाता है, ध्यान रखें, राजस्थान का कामधेनु है राठी, सर्वाधिक दूध देती है। और ये एक मिश्रित द्विसंकर नस्ल है, ये दो प्रकार की नस्लों से मिलकर बनी है, लाल सिंधी नस्ल और साहिवाल नस्ल। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। तो राठी वंश सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल या फिर राजस्थान की कामधेनु महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी हो जाएगी थारपारकर। थारपारकर जो मूल प्रदेश इसका है वो है सिंध प्रदेश, जो कि पाकिस्तान में है। और राजस्थान में हमारे यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थली जिलों में पाई जाती है, जैसे जैसलमेर बाड़मेर में। और ये सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है, राजस्थान में सर्वाधिक थारपारकर की नस्ल पाई जाती है और डेयरी विकास के लिए सबसे प्रमुख नस्ल है थारपारकर। तो दो महत्वपूर्ण बातें हो गई कि सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है राठी नस्ल, लेकिन सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है थारपारकर नस्ल। इसके अलावा तीसरी हो जाएगी कांकरेज। कांकरेज का जो मुख्य स्थान है वो है गुजरात का काठियावाड़ स्थान। राजस्थान में ये सबसे ज्यादा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। स्थान अगर हम देखते हैं तो जालोर बाड़मेर पाली सिरोही, ये नस्ल जो है वो सबसे भारी नस्ल है और ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है। भाई भारवाह के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है या फिर किसी अन्य दुग्ध के प्रयोजन से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इस प्रकार की जो गाय की नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र है चौहटन बाड़मेर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कांकरेज नस्ल से संबंधित। अगली हो जाएगी साचोरी नस्ल। साचोरी नस्ल जैसे साचोर जालोर में है तो ये जालोर में सर्वाधिक पाई जाती है और ये कम दूध देने वाली नस्ल है। साचोरी बेल भारवाहक रहते हैं तो ये दूध में इसका मतलब कम उपयोग है, लेकिन भारवाहक के रूप में ये अधिक यूजफुल है। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगी नागौरी नस्ल, जो कि सुहाला क्षेत्र नागौर का जो क्षेत्र है उसमें ये सर्वाधिक पाई जाती है। और ये तेज धावक कह सकते हैं गाय का एक प्रकार है, तेज धावक बैल या बैलगाड़ी हेतु इनका प्रयोग किया जाता है। और अगली है हरियाणवी नस्ल। ये हरियाणवी नस्ल हरियाणा के आसपास के क्षेत्र में, रोहतक के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। तो उससे राजस्थान के लगे हुए जिले हैं जैसे चूरू झुंझुनू भरतपुर जयपुर इन स्थानों पर पाई जाती है। और इसके जो पहचान है तो इसकी मस्तिष्क की जो हड्डी है थोड़ी ऊपरी उठी हुई होती है हरियाणवी नस्ल की। और इसका मूल स्थान कौन सा है, हरियाणा का ही रोहतक हो जाएगा। मेवाती या काठी अगली नस्ल है, ध्यान रखें मेवाती या काठी। तो मेवात एरिया कौन सा होता है, हमें पता है अलवर भरतपुर वाला मेवात एरिया, तो यहीं पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। लेकिन अगर इसका प्रजनन केंद्र या सीमन बैंक देखें तो वो बस्सी जयपुर में है। और अगली नस्ल है मालवी।
मालवी मालवा प्रदेश एमपी का पार्ट है, तो ये इसी एमपी से लगते हुए जिलों में, दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाई जाती है, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी आदि में। और लास्ट है गिर, जिसे रेंडा या अजमेरा भी कहा जाता है, और ये जो हमारा सेंट्रल राजस्थान है, मध्य राजस्थान है, मुख्य रूप से अजमेर में ये पाई जाती है। इसके अलावा भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है, और इसका जो मुख्य केंद्र है जहां से आई है वो है गिर, गुजरात। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नस्लें थी गौवंश से संबंधित। और इसके अलावा कुछ विदेशी नस्लें भी हैं, उनकी बात करें तो मुख्य है जैसे जर्सी, होलिस्टीन और रेडडेन। और ये नस्लें जैसे जर्सी है वो यूएसए की है, होलिस्टीन हॉलैंड की, और रेडडेन डेनमार्क की। वेरी गुड। और ये हमारे यहाँ पे मध्य पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। अब हम अगले पशुधन की बात करते हैं, वो है भैंस। भैंस की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? सर्वाधिक जयपुर और अलवर में पाई जाती है, और न्यूनतम पाई जाती है जैसलमेर में। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में। वेरी गुड। और सर्वाधिक भैंस अगर हम देखें, भारत में सर्वाधिक भैंस किस राज्य में पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है, और सेकंड रैंक है हमारे राजस्थान का। अब भैंसों में भी कुछ महत्वपूर्ण नस्ल है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है वो उसकी पहली नस्ल जो है मुर्रा, या फिर हम कह सकते हैं खुंडी। तो जो मुर्रा की उत्पत्ति है वो मॉन्टगोमरी पाकिस्तान से हुई है। ये सबसे ज्यादा अच्छी नस्ल कह सकते हैं, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कह सकते हैं, और सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल। तीन बातें हैं आपको, सर्वश्रेष्ठ नस्ल, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, और सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल भैंस की कौन सी है? मुर्रा या खुंडी नस्ल है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी जो सिंह है वो जलेबी की तरह मुड़े हुए रहते हैं, और इसके प्रमुख प्रजनन केंद्र है वो है कुम्हेर, भरतपुर, डग, झालावाड़ और नागौर में। मुख्य रूप से ये जयपुर, भरतपुर, अलवर, उदयपुर और गंगानगर के क्षेत्रों में पाई जाती है। सूरती नस्ल मूलतः सूरत जो है वहाँ की है, और हमारे राजस्थान में उदयपुर और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। नागपुरी नस्ल, नाम से आप पता कर सकते हैं, मुख्य रूप से नागपुर से संबंधित है, लेकिन राजस्थान में ये दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। तो जाफराबादी का जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो है कच्छ, गुजरात का कच्छ, और हमारे यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और इसके अलावा भदावरी की अगर हम बात करें तो मुख्य स्थान उसका यूपी है, और ये वसा युक्त दूध देने वाली भैंस है, और पूर्वी राजस्थान जो है हमारे वहाँ पर ये सर्वाधिक पाई जाती है। और भैंस वंश की जो लास्ट नस्ल है वो है रथ, जो कि यमुना घाटी यूपी इसका मूल स्थान है, और हमारे यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भैंसों के नस्ल थे। इसी के अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये है कि नागौर का एक बासनी गांव है, और वहां पर एक व्यक्ति है नूर मोहम्मद मारवाड़ी, और उनकी मुंबई में भैंसों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट बात है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो भैंसों के बाद अब अगली बात हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे भेड़ के बारे में। तो भेड़ में हमारा कौन सा रैंक है? भेड़ में भारत का रैंक है थर्ड, विश्व में तीसरा स्थान है, पहला है चीन का, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, और थर्ड है भारत का। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है भारत की अगर हम बात करें तो? भारत में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक बाड़मेर में, और न्यूनतम बांसवाड़ा में। तो बीबी याद रखें भेड़ के लिए, बाड़मेर, बांसवाड़ा। अब इसकी भी कुछ महत्वपूर्ण आठ नस्लें हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। पहली है मालपुरी या फिर अविका नगरी। तो मालपुरी कहाँ पर है? मालपुरा टोंक में है। ध्यान रखें सबसे मोटे ऊन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन का बहुत चांस रहता है कि मोटे ऊन के लिए, सर्वश्रेष्ठ नस्ल के लिए, सर्वाधिक पाए जाने वाली नस्ल, तो सब में सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी किसकी है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना है। मालपुरी या अविका नगरी जो है वो कहाँ, किसके लिए प्रसिद्ध है? मोटे ऊन के लिए। और मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक फैला हुआ क्षेत्र है, तो सर्वाधिक भेड़ इसी नस्ल की पाई जाती है, और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी नस्ल की होती है। और जब अगर हम बात करते हैं जैसलमेरी नस्ल की, तो ये सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। तो सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है जैसलमेरी, और सर्वाधिक भेड़ पाए जाने वाली नस्ल हो जाएगी मारवाड़ी। और जो शेखावटी नस्ल है वो बेस्ट क्वालिटी का ऊन जो है वो हमें प्रदान करती है, जिसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है, या चोकला या छापर नस्ल भी कहा जाता है। तो भारतीय मेरिनो कौन सी नस्ल को कहा जाता है? शेखावटी नस्ल को, जो सर्वश्रेष्ठ। अब अगला है पुंगल। पुंगल जो कि बीकानेर में पाई जाती है, इसे बीकानेरी चोकला भी कहते हैं, और इसका अन्य नाम है मगरा। पुंगल या मगरा बीकानेर में पाई जाती है।
नेक्स्ट हो जाएगी सोनाड़ी। सोनाड़ी को चनोथर भी कहा जाता है जो कि मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, उदयपुर। और ध्यान रखें जो सोनाड़ी है हमारी उसके जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं, तो लंबे कान वाली अगर हम भेड़ की बात करें तो वो कौन सी प्रजाति हो जाएगी? सोनाड़ी या चनोथर। अगली नस्ल है खेरी जो कि जोधपुर, पाली और सिरोही इस एरिया में पाई जाती है। और उसके बाद है नाली जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, गग्गर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगली जो प्रजा वंश की बात करते हैं, पशुधन की बात करते हैं, वो है बकरी। बकरियां जो है सर्वाधिक पाई जाती हैं बाड़मेर में और सबसे कम पाई जाती है धौलपुर में। बकरियों में जो प्रमुख नस्लें हैं वो है मारवाड़ी, बरबरी, सिरोही, शेखावटी, जम्मापरी, जखराना और पर्वतसरी। सारे जगहों के नाम के अकॉर्डिंग बकरी की नस्लें हैं। तो मारवाड़ी नस्ल जिसे लोही भी कहते हैं वो जोधपुर में मुख्यतः मिलती है और वो मांस के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे सुंदर नस्ल की तो वो है बारबरी, और ये जो नस्ल है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, सबसे सुंदर नस्ल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध बकरियों की तो वो है वरुण गांव नागौर में। नेक्स्ट हो जाएगी सिरोही जो कि सिरोही में पाई जाती है। शेखावटी, ध्यान रखिए बिना सींग वाली बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? शेखावटी क्षेत्र में बिना सींग की पाई जाती हैं। जम्मापरी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और जखराना, जखराना अलवर में पाई जाती है। और पर्वतसर का नागौर में, तो पर्वतसरी नागौर में पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बकरियों की प्रजातियों की हमने बात की। इसके अलावा अगर ऊंट की बात करें तो ऊंट जो है हमारा राज्य पशु घोषित किया जा चुका है। कब से किया जा चुका है? 30 जून 2014 से किया जा चुका है। अगर हम बात करते हैं ऊंटों की, सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर में सर्वाधिक, और न्यूनतम अगर हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। और इसके कुछ नस्लें हैं गोमट जो है वो फलोदी में पाई जाती है, और जो भारवाक है नाचना है जो कि जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। और तीसरा हो जाएगा जैसलमेरी जो कि बीएसएफ के जवानों के द्वारा उपयोग में ली जाती है। तो बहुत ज्यादा नस्लें नहीं है ऊंट से संबंधित। महत्वपूर्ण बात याद रखनी कि सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में और सबसे कम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। उसके बाद अश्व, अब अश्व की बात करते हैं तो सर्वाधिक अश्व बीकानेर में और न्यूनतम पाए जाते हैं डूंगरपुर में। और इसकी प्रमुख नस्लें हैं जैसे मालाणी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। वेरी गुड। और लास्ट हमारा बचा है कुक्कुट। तो कुक्कुट जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अजमेर में और सबसे कम पाए जाते हैं जालौर में। लेकिन अब जैसे कि मुर्गियों की दो नस्ल होती है, देशी नस्ल और विदेशी नस्ल, तो जो देशी नस्ल है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में। और विदेशी नस्ल? विदेशी अजमेर में। तो हमारे जो देशी नस्ल है जो कि बांसवाड़ा में पाई जाती है, वहां पर एक योजना बहुत ही फेमस है जो कि अभी आरएस प्री में भी क्वेश्चन आया था इससे संबंधित, कि कड़कनाथ योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो वो देशी मुर्गों की नस्ल से संबंधित है, देशी मुर्गों से संबंधित है जिसमें काली मुर्गियों का पालन किया जाता है। और जो हमारा कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो अजमेर। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में है, लेकिन हमारा जो देशी नस्ल के लिए कड़कनाथ योजना है वो बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पशु संपदा के बारे में हमने आज डिस्कस किया, एंड वी होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।